पे हैं, इनको मास्क नहीं लगाएंगे, कितना ही कह दो मीडिया मीडिया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। मैडम, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है जी? ऑफ लेटली अभी अगर अपन देखें तो लॉकडाउन के अभी भी 10 दिन और बाकी हैं, और अपने पास अजमेर में भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितना हम लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ही हम लोगों को कोरोना से बचा पाएंगे। हमारी ये जितनी भी सख्ती है वो सिर्फ इसलिए है कि हम किसी भी तरीके से अजमेर के जितने भी वासी हैं उनको कोरोना से बचाव दे सकें। लेकिन हाँ, हमारी पूरी कोशिश ये है कि लोगों को किसी भी तरीके की रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए दिक्कत ना हो। लेकिन ऑफ लेटली लोगों ने बहुत, कॉलोनी के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप देखेंगे तो हर कॉलोनी के अंदर ठेले भी मौजूद हैं, डेयरी भी खुली हुई हैं, दवाइयाँ भी हैं, पर घूमने का एक आसान साधन जो है वो इनको बना लिया है। तो अब धीरे धीरे हमने इन पर भी सख्ती करनी शुरू की है, क्योंकि मकसद जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अपने को उसके लिए चलना पड़ता है। तो ऑफ लेटली कार्रवाई की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, कितनी टीमें लगाई है यहाँ पर? टीमों की नहीं है, हम लोगों ने अब ऑफ लेटली ये डिसाइड किया है कि हम पूरे सिटी के अंदर राउंड लेते हैं, जहां हमें लगता है कि यहां पर लोग बागों का मूवमेंट है उसी जगह पे हम हॉल्ट लेके, मैं, मेरे SHO और जो बाकी एडिशनल जाप्ता है, हम लोग वहां पर कुछ टाइम की कार्रवाई करते हैं, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं, ताकि लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पुलिस होती है उसको अवॉइड करके वो गलियों से शुरू हो जाएंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अफवाहें चल रही हैं जी, तो उसके लिए क्या? डेफिनेटली उनके जितने भी कॉग्निजेंस आएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिनके रहेंगे, उनके अगर कोई भी अफवाह होगी और वो पाई जाएगी कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एडमिन और साथ साथ उसको शेयर करने वाले के ऊपर IPC की धाराओं के अंदर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। आज रात जो 9 बजे पूरा ब्लैकआउट होकर लाइट्स दिए वगैरह जलाने, उसके बारे में पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है जैसे पब्लिक इकट्ठी हुई थी जनता को? डेफिनेटली इकट्ठा किसी हालत में नहीं होना है, क्योंकि ऑफ लेटली आप देख चुके होंगे जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डेथ एक डे में हो रही है, हमारे पेशेंट्स उतना है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लॉकडाउन को फॉलो अप कर पा रहे हैं। जितना लॉकडाउन को फॉलो करेंगे उतना ही हमारे और हमारे घर वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना हो कि हम लॉकडाउन और 144 की जो धाराएं उनको तोड़ें। आपका बिलीफ सिस्टम है, आप माने, आप करें, लेकिन अपने घर के अंदर करें। एंड डेफिनेटली एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे आग के पास में ना जाएं, क्योंकि वो कैचअप कर सकते हैं फायर को, ये इतना सा ध्यान रख के करें। और अगर घर में बच्चे हों तो ये देखें, डेफिनेटली जो आप लाइट करें वो थोड़ी सी ऊँचे स्थान के ऊपर करें एंड कंट्रीब्यूट करें अपना बिट। थैंक यू मैडम। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हमने शुरुआत में समझा इसका रुख रखा था। शुरू के 3-4 दिनों में हमने जनता से काफ़ी अपीलें की, हमारे SP साहब ने खूब अपील की, समझा इसकी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में पुलिस ने सख्ती करनी शुरू की, और सख्ती का आलम यह है कि किशनगंज थाना पूरा परिसर थाना जब्त शुदा वाहनों से भर चुका है। करीब 1300-1400 वाहन हमने जब्त कर लिए, उसके बावजूद लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं इनसे कि अपने नज़दीकतम स्टोर से अपना सामान लें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाड़ी लेके नहीं निकलें। उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरे परिवार के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से अब जो ये बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ और वाहनों के खिलाफ हम कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और वाहन सीज की कार्रवाई जारी है।